Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आज देख रहे हैं स्कंद तीसरा चैप्टर दूसरा श्लोक संख्या 20। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। अभी श्लोक इस प्रकार है। तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण सुखारविन्दं मुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपुतः पदमापुरस्य। पिछला ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। सर्टनली अदर्स हु वेर फाइटर्स ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र वेर प्यूरिफाइड बाय द ऑनस्लॉट ऑफ अर्जुनास एरोस एंड व्हाइल सीइंग द लोटस लाइक फेस ऑफ कृष्णा so pleasing to the eyes, they achieved the abode of Lord. इसका हिंदी अनुवाद, निश्चित रूप से जो अन्य लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में योद्धा थे वे अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध हो गए और कृष्ण के जो कमल जैसे चेहरे को देखते हुए जो आंखों को प्रसन्न करने वाला था उन्होंने भगवान का निवास प्राप्त किया। जय श्री प्रभुपाद। इसका तात्पर्य हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्ण अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड फॉर टू मिशनरी पर्पजेस टू डिलीवर द फेथफुल एंड टू एनाहिलेट द मिसक्रिएंट्स। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग देखते हैं कि भगवान परित्राण साधुनाम विनाशाय जो दुष्कृताम के लिए जब आते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये दो मेन पर्पस है उसमें। यह है कि एक तो मतलब जो अपने साधु संग है उनको बचाना, परित्राण साधु नाम, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो भी जो डेमन्स है जो भी दुष्कृत्य करने वाले उनका विनाश करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली परपट पे इस तरह के हाईलाइट करते कि दिखने के लिए तो दोनों ये जो एक्शंस है वो ऑपोजिट है कि मतलब एक मारना है किसी को, बचाना है किसी को, मारना है, तो ये दोनों चीज ऑपोजिट है। लेकिन भगवान ऐसे शुद्ध और इतने परम पुरुष है कि इन 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 इनके जो एक्टिविटीज है ये दिखने के लिए भले ही अलग अलग रहे लेकिन इसका जो पर्पज है वो आखिर में एक ही है कि कृपा करना। तो भगवान मतलब जो आचार्य बोल रहे थे कि भगवान जब किसी डेमन को मारते हैं तो वो भी एक तरीके से उस डेमन पे कृपा रहती है। हम लोग ने देखा है कि कंस को जब मारा तो कंस को बाद में सायुज्य मुक्ति मिली है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पर्टिकुलर चीज को ये करते हैं कि बिकॉज लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, लॉर्ड परम पुरुषोत्तम भगवान है, उससे मतलब वो उसके कोई भी गलत हो ही नहीं सकता है और वो जो भी चीज करेगा वो अच्छा ही के लिए, क्योंकि वो सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान सबके सुहृद है, तो उसमें वो डेमन्स भी डेमन्स हो तो भी वो सुहृद है।
तो वो डेमन के लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। भगवान किसी का बुरा नहीं करते। वो हम लोग हर बार हर श्लोक में यही देखते कि भगवान ऑल कंपैशनेट है, वो सब पे प्यार करने वाले भगवान है, वो किसी पे किसी का बुरा नहीं करते। तो फिर वो डेमन का बुरा कैसे करेंगे? तो उसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि दिखने के लिए भले ही वो दोनों एक्शन, भगवान की जो लीला है वो दिखने में दोनों अलग अलग है, पर उसका जो जो उसका आउटकम है वो आखिर में एक ही है, कि दोनों सेम है, क्योंकि आखिर में उनका आउटकम क्या है, इसकी शुद्धिकरण या फिर कृपा जो डेमन पे है उनकी कृपा, जैसे कंस के ऊपर कृपा की उन्होंने। पुतना तो हम लोग जानते हैं, पुतना को तो उन्होंने अपने गोलोक में स्थान दे दिया। तो उन्होंने आगे फिर वापिस वो शिशुपाला का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। शिशुपाल जो थे वो कैसे थे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने पर्टिकुलर इस पर्पट में दो चीज का हाईलाइट किया है कि वहां पे जो योद्धा थे कुरुक्षेत्र पे, तो वो कुरुक्षेत्र के योद्धा जो थे वो भले ही ऑपोजिट पार्टी में थे कौरवों के इस तरफ से, वो पांडवों के खिलाफ लड़ रहे थे, मतलब काइंड ऑफ कृष्ण के खिलाफ लड़ रहे थे, फिर भी जब कृष्ण अर्जुन के बाण उनको लग रहे थे तो बाणों से तो पवित्र हो रहे थे, लेकिन जब उनको कृष्ण का वो जो कमल नयन कमल मुख कृष्ण का जो मुखारविंदम, यहाँ पे जो स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है कि ये मुखारविंदम जब कृष्ण का वो देख रहे थे, तो उनको कृष्ण का जो परम परमोच्च जो स्थान है वो मिलता था। और एक्चुअली हम लोग ने और भी एक पहले अध्याय में ही प्रभुपाद जी ने पर्पट में लिखा है कि नॉर्मली कोई भी युद्ध क्षेत्र पे अगर कोई मारा गया तो उसको जो टॉप सूर्य लोग जो है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, मतलब एक बहुत अच्छी पोजीशन है, वो ट्रांसेंडेंटल नहीं बोल सकते लेकिन भौतिक इसमें भी बहुत उच्च कोटि का जो स्थान है वहां पे मिलता है अगर युद्ध क्षेत्र पे कोई क्षत्रिय मारा गया तो। और जब और वैसे एक सन्यासी है जो योग कर रहा है तो उसको भी वो स्थान मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी योद्धा अगर युद्ध में मारा गया तो उसको एनीवे एक अच्छा स्थान मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं कि ये योद्धा एक तो धर्म क्षेत्र पे थे और उसके ऊपर से उनको अर्जुन के बाण लग रहे थे एक शुद्ध भक्त के, और उसके ऊपर और क्या कर रहे थे कि वो मृत्यु के समय भगवान का मुख देख रहे थे। तो एनीवे हम लोग देखते हैं कि मृत्यु के समय जिसको भगवान का याद आता है उसको भगवान अपने साथ अपने स्थान में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे तो उन लोग को भगवान का चेहरा ही दिख रहा है और उनके चेहरे पे वो जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारा जो डॉर्मेंट लव फॉर कृष्णा वो जागरूक होता है, जो तुम्हारा अपना जो सुप्त जो अपना प्यार है भगवान के प्रति, हम लोग का जैसे हम लोग हर बार बोलते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है कि भगवान की नित्य सेवा करना। अभी भगवान की नित्य सेवा करना ये अपना वैसे देखेगा तो सेवा करना ही अपनी एक्चुअली प्रॉपर्टी है, हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी सेवा करना है। अगर भगवान की हम लोग सेवा नहीं करेंगे तो हम लोग सेवा माया की करेंगे। और तो मतलब जैसे प्रभुपाद जी हर बोलते हैं कि हम लोग अगर भगवान के पास भगवान के आपके प्रति अपना प्यार जताएंगे नहीं, भगवान के सेवा में खुद को अगर संलग्न नहीं करेंगे तो फिर हम लोग क्या करते, भौतिक चीजों की सेवा करते, पैसे की, घर वालों बीवी की, बच्चों की, कुत्तों बिल्लियों की, उनकी भी सेवा हम लोग करते बैठे अगर हम लोग भगवान की सेवा से खुद को अगर वंचित करेंगे तो। तो सेवा करना ये अपना जो है प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है आत्मा का। तो ये अपना जो सेवा करना, और सेवा किसकी करना, तो भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम लोग आए ही वहां से है। तो भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए अपना जो सुप्त प्रेम है जो अभी माया से ढक गया है, तो वो सुप्त प्रेम जागृत हो रहा हो अगर होगा तो हम लोग भगवान के प्रति अपना जो प्यार है दिखा देंगे, भगवान के प्रति अपनी सेवा दिखा देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे कि उनको भगवान का मुखारविंदम जब दिख रहा था तो उनका जो सुप्त प्रेम था भगवान के प्रति वो जागृत हो गया। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बोले प्लीजिंग टू द आईज ऑफ द सीयर, मतलब जो देख रहा है उनके आंखों के लिए वो बहुत प्लीजिंग था, बहुत मतलब ना आह्लाददायक था। जैसे हम लोग किसी फूल को देखते हैं या किसी अच्छे एनवायरमेंट, कोई अच्छा कोई हम लोग
इंसिडेंट देखते हैं तो हम लोग को मन को बहुत प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे तो साक्षात भगवान है, मतलब जो अच्छाई है, जो भगवान से आती है, जो अच्छाई का करता है, उस भगवान को हम लोग देख रहे हैं, सॉरी उस भगवान को हम लोग देख रहे हैं। तो वो प्लीजिंग टू द आईज ऑफ द सीयर करके यहाँ पे उन्होंने, प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली ये चीज को हाईलाइट किया था, क्योंकि भगवान का चेहरा देख के वो जो देखने वाले थे उनके मन को वो बहुत आह्लाददायक था, बहुत प्रसन्न करने वाला था। ठीक है, और फिर आगे चल के उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने वापिस वो शिशुपाल का एग्जाम्पल दिया कि शिशुपाल का क्या सिचुएशन था। शिशुपाल के तो सामने भगवान थे, और कल भी हम लोग निधि माता जी ने देखा, काफी शिशुपाल का पूरा स्टोरी उन्होंने कल बताई थी कि शिशुपाल जो था उसका बचपन से ही भगवान के प्रति उसको नफरत थी। और शिशुपाल तो मतलब हम लोग देखते हैं कि जय विजय के वो जो थे उसमें जो हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु थे, बाद में फिर रावण और कुंभकर्ण आए, और उसके बाद अभी ये शिशुपाल और दंत वक्र करके उनको जन्म लिया था तीन, तो इसमें से शिशुपाल एक थे। तो उनका कार्य ही था भगवान की प्रति अपनी नफरत दिखाने का, भगवान का मतलब ये भगवान के मतलब क्या बोलते ना, विरोधक थे, भगवान के ऑपोजिट थे, खिलाफ थे। तो शिशुपाल को बचपन से ही भगवान के खिलाफ थे, भगवान के विरोधक थे। तो सामने कृष्ण देखने के दिखने के बावजूद वो कृष्ण को गाली दे रहे थे और कंटिन्यूस गाली दे रहे थे। सौ पाप भरने के बाद फिर कृष्ण ने उनका वध कर दिया। तो यहाँ पे प्रभु जी ने बोला कि उनका उनके मन में भी वो सुप्त प्रेम था लेकिन वो जागृत नहीं हुआ। शिशुपाल के मन में भी वो सुप्त प्रेम था लेकिन वो जागृत नहीं हुआ, लेकिन वो जो सामने वाले कौरव थे उनके मन में वो सुप्त प्रेम जागृत हुआ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वैकुंठ और गोलोक वृंदावन को थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब अच्छी तरह से डिफाइन कर लेते हैं। तो वो डिफिनेशन में वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान का जो गोलोक वृंदावन, जो भगवान का एबोर्ड हम लोग बोलते हैं, भगवान का जो एक्चुअल निवास है, उस गोलोक वृंदावन में जब प्योर भगवान के प्रति एकदम शुद्ध भक्ति जब आ जाती है, तो वो शुद्ध भक्ति में अगर कोई लीन हो जाता है तो भगवान उसको अपने साथ लेके जाते हैं अपने धाम में। लेकिन अगर यहाँ पे प्रभु जी ने बोला कि मिस्टेकनली बाय एक्सीडेंट, यहाँ पे बोलते हैं कि बाय एक्सीडेंट अगर किसी को, और एक्सीडेंट मतलब कैसे, तो भक्तों के संग में आ गए या फिर अचानक किसी चीज के वजह से अगर उनकी उनमें भगवान के प्रति का प्यार जागृत हो गया, तो ऐसे अगर लोग रहेंगे तो उनको फिर वैकुंठ में स्थान मिलता है। तो ये पर्टिकुलर चीज उन्होंने हाईलाइट किया कि गोलोक वृंदावन और वैकुंठ ये दोनों में डिफरेंशिएशन यहाँ पे पता है कि, लेकिन प्रभुपाद जी आगे भी ये कहता है कि एक्चुअली उसमें बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ भाव, सेवा का जो भाव है उसमें डिफरेंस है। हम लोग जानते हैं कि गोलोक वृंदावन में भगवान में एक शांत रस रहता है, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये जो चार रस है उसमें उसको लेके हम लोग भगवान के गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। लेकिन भगवान के गोलोक वृंदावन में दास्य रस नहीं होता है, वो दास्य रस वैकुंठ में रहता है। तो वैकुंठ में हम लोग ऑव एंड रेवरेंस, ये पर्टिकुलर चीज वर्डिंग यूज हो रहा है कि हम लोग भगवान को एक ऐश्वर्य भाव में पूजा जाता है और भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, वो एक ही भाव रहता है वैकुंठ में। तो उस वैकुंठ में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग को वो एक हमारा भाव रहता है भगवान के प्रति सेवा करना, और सेवा मतलब दास्य के रूप में सेवा करना और दास्य के भाव में सेवा करना। जैसे हनुमान जो थे दास्य के भाव में राम जी की सेवा कर रहे थे, तो वो एक जो सेवा जो भाव है वो वैकुंठ में है। और वो शांत भाव या फिर साख्य भाव या फिर वात्सल्य भाव या फिर माधुर्य भाव, ये जो भाव है वो गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ हम लोग ये कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे उन्होंने एक चीज को हाईलाइट किया था कि मतलब हर बार हम लोग बोलते हैं कि लव ऑफ गॉड इज अवेकेंड बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, मतलब भगवान के अगर शुद्ध भक्त के अगर संगत में आ जाएंगे तो भगवान के प्रति अपना जो प्यार है वो तो तुरंत जागरूक होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया है, वो क्या बोल रहे कि भगवान दुनिया के बोझ को कम करने के मिशन के लिए प्रकट हुए। अभी बोझ मतलब क्या, बर्डन, तो ये बर्डन भगवान के बर्डन मतलब पृथ्वी पे ये बर्डन किस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं,
तो बर्डन क्या होता है कि वैसे देखेंगे तो हम लोग पृथ्वी पे तो क्या इतने हजारों पर्वत है, बड़े बड़े ओशन है, तो उनका तो उनका वजन अगर देखेंगे तो पृथ्वी सहन कर लेते, फिर बर्डन कहाँ से आता है? तो जो बर्डन जो रहता है वो बर्डन रहता है कोई पापी व्यक्ति, अगर कोई दुरात्मा इस पृथ्वी पे राज करने लग गया, अगर और उस दुरात्मे ने अगर अपना जो जाल फैला दिया और उन्होंने अगर किसी से मतलब लोगों पे के प्रति अपना, जैसे कंस कर रहा था बहुत अत्याचार कर रहा था, तो लोगों के प्रति अगर उसका अत्याचार बढ़ गया तो वो जो है वो पृथ्वी माँ देख नहीं पाती और फिर वो बोलती है कि वो बर्डन होता है। और फिर ऐसे बर्डन में हम लोग हर बार देखते हैं कि ऐसे बर्डन में क्या होता है कि पृथ्वी माँ फिर ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी फिर आके मतलब पृथ्वी माँ देवलोकों के साथ ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी फिर महाविष्णु का ध्यान करते हैं, महाविष्णु फिर अपने ही जो ध्यान है सॉरी महाविष्णु फिर अपना जो अवतार जो प्रकट होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रह्मा जी को देते हैं। जैसे राम जी के टाइम पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, कृष्ण के टाइम पे भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, और फिर वो इन्फॉर्मेशन से फिर ब्रह्मा जी देवलोकों को बोलते हैं कि अभी क्या होने वाला आगे चल के। तो ये जो चीज की बात की है वो बोलता है भार, ये अगर पृथ्वी पर अगर भार आ गई तो पृथ्वी को पापी व्यक्ति के जो जो लोगों के प्रति उनका जो अत्याचार है उससे पृथ्वी पृथ्वी माता को भार लगता है। आगे चल के प्रभुपाद जी ने और एक चीज को हाईलाइट किया कि अर्जुन ने पहले अगर देखा तो हम लोग ये जानते हैं कि अर्जुन ने इन लोगों के साथ युद्ध करने के लिए पहले तो उन्होंने इनकार किया था। तो ये चीज पे इस पर्टिकुलर 3.2.20 के टाइम पे प्रभुपाद जी ने ये चीज को यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया है, इसका जिक्र क्यों किया है? तो हम लोग देखते हैं कि अर्जुन ने ना तो बोला था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया, ज्ञान से वो संतुष्ट हो गए और फिर आखिर में उन्होंने क्या बोला कि भगवान ने मुझे कहा है, भगवान ने मुझे कहा है इसके लिए मैं युद्ध करूंगा, करिष्ये वचनम तव। तो क्या बोलते हैं अर्जुन कि आपने मुझे कहा है, आपने मुझे बोला है युद्ध करो तो मैं युद्ध करूंगा यहाँ पे। और वही अगर चीज हम लोग जो परपट में देखते हैं तो प्रभुपाद जी ने क्या बोले कि अर्जुन के बाणों से वो लोग पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अर्जुन के बाणों से वो शुद्ध क्यों हुए, क्योंकि अर्जुन एक शुद्ध भक्त था और उसने क्या शुद्धि उस शुद्ध भक्त क्या उसका उसका बेसिक ये क्या था कि उसने भगवान के सॉरी भगवान के वचन के लिए उसने अपने आप को बांध के रखा था, बाध्य कर लिया था और बोला था कि हाँ जो भगवान को मैंने वचन दिया है, भगवान ने मुझे कहा है मुझे युद्ध करना है तो मैं युद्ध करूंगा। तो ये पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जानबूझ के हाईलाइट किया है, ये बोलता कि बिकॉज अर्जुन प्योर डिवोटी थे, बिकॉज उनको भगवान ने बोला था और बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर कृष्णा, तो उसके वजह से उनके बाणों में वो शुद्धता लाने में मतलब वो बाणों में उतना वो पावर आ गई कि उनके उनके ऑनस्लॉट से वो शुद्ध हो रहे थे। ठीक है, फिर एक मिनट। तो यहाँ पे एक जस्ट एक एग्जांपल मुझे मतलब ये आ गया कि हम लोग प्रभुपाद जी के साथ रह के हमारे मन में हम लोग बोलते हैं ना मतलब एक शुद्ध भक्त का जो संग होता है जिसके बारे में हम लोग हर बार बात करते हैं, शुद्ध भक्त का संग। तो शुद्ध भक्त मतलब हम लोग डायरेक्टली तो पहले प्रभुपाद जी से हम लोग मिले नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जो वाणी है, वाणी सेवा जो प्रभुपाद जी कर रहे हैं, तो हम लोग शुद्ध भक्त के संग में आते हैं। तो एक एक जो मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था उसपे उन्होंने बहुत एक आचार्य देव थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बताया था। तो वो कह रहे थे कि अपने जब ये जो फॉर डिवोटीज थे, जब प्रभुपाद जी जब वापिस इंडिया में आ गए और फिर वो फॉरेन डिवोटीज के साथ जब आ गए, तो ये फॉरेन डिवोटीज तो एक काफी शुद्ध लेवल पे उनकी भक्ति थी। तो जब वो वृंदावन में आ गए
और वो गोस्वामी जो वहाँ पे जो सबके गोस्वामी को जो स्थल था जहाँ पे वो नमस्कार कर रहे, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण ने देखा, वो जो उधर पुजारी था, उस पुजारी ने फिर क्या किया, इनको उन्होंने तीर्थ दिया, और वो जो मतलब चरणामृत दिया, तो ये चरणामृत उन्होंने नमस्कार किया, जो दिया उनके सामने दिलाया था उसको बहुत प्यार से उन्होंने ये किया, नमस्कार किया, और अच्छी तरह से मतलब बहुत रिस्पेक्ट से वो पुजारी को पेश आए, रिस्पेक्ट से पुजारी ने जो उनको दिया वो बहुत रिस्पेक्ट से उन्होंने वो चीज को लिया और एक्सेप्ट किया, तो पुजारी उनसे काफी प्रसन्न हो गए। और पुजारी ने फिर उनको क्या बोला कि आप जो भाव से ये पूजा कर रहे हो इस भाव से कंटिन्यू करो, अगले जन्म में आप मेरे जैसे बन जाओगे, फिर आप डीटी की सेवा कर पाओगे। ऐसा बोल के पुजारी यहाँ पे, फिर वो जो जो अपने जो डिवोटीज थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चले गए। और जाने के बाद फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को उन्होंने थोड़ा पुड़े की गाड़ी ब्लैक लिस्टेड दिस था, तो उन्होंने फिर प्रभुपाद जी ने उनसे बात किया, और सॉरी प्रभुपाद जी से उन्होंने बात किया, तो प्रभु जी को उनको पूछा उन्होंने प्रभुपाद जी ने, तो इन्होंने बताया प्रभु जी, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया वो चीज, क्या हाईलाइट किया कि ऐसे ऐसे वो ब्राह्मण जा था वो हम लोग को ऐसा बोला, और फिर हमने उसको कुछ नहीं बोला। प्रभु जी ने हम लोग बोला उसको, आपने उसको क्या बोला, तो बोलते हमने कुछ नहीं बोला, हम लोग रिटर्न आ गए। तो बोला अगले बार आप जाओगे और उस ब्राह्मण से मिलोगे, ब्राह्मण ऐसा कहोगे तो उसको बोलना कि आप जिस तरीके से भक्ति कर रहे हो, डीटीज की सेवा कर रहे हो, आप करो, अगले जन्म में आप इस्कॉन में आ जाओगे करके। तो ये मतलब क्या एक काफी कितना स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रभुपाद जी ने बात किया था कि इस्कॉन पे आना, प्रभुपाद जी के संग में रहना, ये कितनी पावरफुल बात थी। और ये स्टोरी मतलब काइंड ऑफ एक मन को हिला के रह गए कि मतलब प्रभुपाद जी ने कितना बहुत प्यारी बात बताई थी। तो ये चीज को मतलब ये स्टोरी को मैंने जानबूझ के इसके लिए हाईलाइट किया था कि भक्तों का संघ का जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज पे हाईलाइट किया है, ये पर्टिकुलर इस पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो इस चीज पे प्रभुपाद जी को मतलब भक्तों के संघ को जो प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिक इस पर्पट में जो बोला गया है उस चीज को मतलब रिट्रेट करने का या फिर उस चीज को हाईलाइट करने के लिए स्टोरी बहुत काम में आ गई थी। तो आज के मतलब मेरे इसपे मैं इतना बोल के मतलब जो मैंने जान लिया था और जो आचार्य से सुन लिया था कि मैं इतना ही मतलब बता सकता हूँ, और मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई रहेगी और मुझसे कुछ त्रुटि रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और कोई करेक्शन होगा तो प्लीज मुझे बता देना। हरे कृष्णा, प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, और इसमें से कुछ पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ इस पपट में जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि जो भगवान का जो यहाँ पे अपीयरेंस होता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, उसका दो रीजन है फॉर डेमोनिस डिमन को मारने के लिए, मिसक्रिएंट को, और फिर जो भक्त हैं, जो साधु हैं, उनका उद्धार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो आपने एक्सप्लेन किया कि भगवान जो दोनों के साथ जो भी करते हैं वो मतलब उनका रिजल्ट जो है सेम है, पर्पस सेम है उनका। ये नहीं कि उनके साथ डिमन्स के साथ पार्शलिटी कर रहे, उनको मार रहे हैं, और भक्त के साथ वो अपना जो है उनका उद्धार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर वो भगवान डिमन्स को भी मार रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में
जितने भी अपोजिट पार्टी थे जो अर्जुन के तरफ से थे, वो वहां पे भी जिनका भी जो मतलब मृत्यु हो रहा था उनका, तो वो अल्टीमेट उनको लिबरेशन मिल रहा था, क्योंकि वो जो भी भगवान के समक्ष वो जैसे अपना देह त्याग कर रहे थे, इसलिए उनको लिबरेशन मिल रहा था। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है पद में, जैसे अर्जुन का यहाँ पे एनालॉजी यूज किए हैं प्रभुपाद, जैसे अर्जुन जो अपने बाण से जितने भी मिस्क्रिएंट हैं उनको मार रहे थे, तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि उस बाण से उनके हृदय जो है ना शुद्ध हो रहे थे, और भगवान के दर्शन से वो उनका मुक्ति हो रहा था, और भगवान उनको अल्टीमेट मुक्ति दे रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हम जो है हमारे अंदर भी, हमारा हृदय भी जो है बहुत तरह के इम्प्यूरिटीज भरे हुए हैं और दोष भरे हुए हैं, और उसी तरह से जब हम साधु संग लेते हैं और किसी भक्त के मुंह से जो ये भगवान का गुण लीला और ये उपदेश जो भी शिक्षा जो लेते हैं हम एक शुद्ध भक्त के माध्यम से, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। जिस तरह से यहाँ पे ये अर्जुन के वान से सारे जो मिस्क्रिएंट थे उनके जो हृदय शुद्ध हो रहे थे और भगवान के दर्शन से उनका लिबरेशन हो रहा था, तो उसी तरह से हमारा भी जो हृदय है, जो भक्त है, भक्त के मुंह से हम जब भगवान के गुण लीला को सुनते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। और साथ में ये भी बताया गया कि जो अर्जुन जो ये कर रहे थे वो अपने मन से नहीं कर रहे थे, वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो कर रहे थे। और उसी तरह से जब भक्त एक जो अपने गुरु का जो परंपरागत गुरु को का आदेश ले करके ये जो भक्ति का प्रसार करते हैं, जब ये प्रसार करते हैं तो हमारा जो है ना उद्धार होता है। वो अपने मन से नहीं करते, वो अपने पारंपरिक गुरु का आदेश को सुन के और जो आदेश है एज इट इज उसको देते हैं, और हमारा हृदय पवित्र होता है और फिर हम भगवत भक्ति की ओर बढ़ते हैं और अल्टीमेट हम उसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ये एनालॉजीज यूज हुआ था प्रभु जी, जो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू, बढ़िया था आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दानवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा था और आपने सब कुछ कवर कर लिया। मैंने भी थोड़ा सा रीड किया था और एक मायापुर के प्रभु थे उनका भी थोड़ा सा ऐसा लेक्चर सुना था मैंने भी, तो माता जी ने भी वो कवर कर लिया उसको भी। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ प्रभु की जो भी ये कुरुक्षेत्र में हुआ, मतलब युद्ध हुआ, और कृष्णा ही सब कुछ, मतलब वो बेस वही थे, तो सिर्फ जो अर्जुन थे वो एक माध्यम थे वो, मतलब युद्ध के, बट सब कुछ भगवान ही करवा रहे थे प्रभु। तो और जैसे कि कोई भी ग्वाला है, किसी के पास गाय है, प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी के पास गाय है और हमको दूध, मतलब हम लेते हैं उससे, उसका बेनिफिट हमसे ला है, लेकिन वो जो ग्वाले हैं वो क्या करते हैं कि उनकी छोटा सा जो काफ रहता है ना उसको गाय के सामने रख देते, वो उनके आंखों में देख के ही कैसे वो एकदम ये हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, कि फिर वो अपने स्तन से दूध, मतलब देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही वो काफ अपने माता का स्तन प्राप्त करता है, फिर वो जो रहते हैं वो उसको हटा देते हैं और वो फिर वहां से उनसे दूध निकालने लगते। तो मतलब बेनिफिट कैसे था हमको था, बट वो काफ एक माध्यम था कि हमको ये प्राप्त हो। तो प्रभु जी बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, आप म्यूट पे प्रभु। हरे कृष्णा। या सॉरी सॉरी माता जी, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।